कांग्रेस द्वारा भाजपा के 57 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ज्वाइन कराने की बात को लेकर आज भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी ने कांग्रेस तथा पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पर आरोप लगाया कि उन कार्यकर्ताओं को धोखे से एवं अन्य प्रलोभन देकर अपने निवास पर बुलाकर कांग्रेस का गमछा पहना दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी ने बताया कि अभी तक बाला बच्चन के बारे में झूठ बोलते सुना था, लेकिन फर्जी तरीके से कांग्रेस ज्वाइन करवाते पहली बार देखा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की सदस्यता वाले फॉर्म जिन पर कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर कराया जाना बताया जा रहा है, जो कांग्रेस की तरह ही एक्सपायरी डेट वाला फॉर्म था, फॉर्म 2011 से 2019 तक का था। भाजपा जिलाध्यक्ष ने उन सभी कार्यकर्ताओं को अपने निवास पर बुलाकर मीडिया से रूबरू करवाया। मीडिया के सामने उन सभी लोगों ने बताया कि वे आज भी भाजपा के साथ हैं। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष जीतू यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष जीतू यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष तुलसीराम पटेल सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। 57 लोगों के कांग्रेस ज्वाइन करने की बात की बाला बच्चन जी। मैंने भी मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके 57 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल, ऐसा मैंने आपके माध्यम से सुना। बड़वानी जिले के इस राजपुर विधानसभा के जो विधायक हैं, अभी तक तो हमने ये सुना था कि केवल झूठ बोलते हैं, पर फर्जी सदस्यता दिला रहे हैं, ये पहली बार सुना। और किसी भी पार्टी का कोई सा भी संगठन हो, व्यक्ति अपने मन से और दिल से यदि किसी पार्टी में जाता तो जी। कमल पवार। कमल, तुम्हारा भी नाम है? जी नाम जरूर सर। एक्चुअल मुझे फ्रेंड का कॉल आया था कि मैं मंदिर के कार्य के लिए मैं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी यहाँ चलना है, जैसे कि मंदिर का कार्य पूर्ण रूप से हुआ नहीं था और मंदिर में लेकर की आवश्यकता थी, तो उस आवश्यकता को लेकर हम बाला बच्चन जी के घर जाने वाले थे। तो वहाँ पर जब मुझे कॉल आया कि चलना है, तो बट मैं जा नहीं पाया। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो थी, जिन्होंने मेरे फ्रेंडों को वहाँ पर ज्वाइन कराया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसी कुछ घटना हो रहा था, जिसके कारण मैं गया ही नहीं सर वहाँ पर। और मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर जो जो कांग्रेस ज्वाइन करना है, कुछ करना है, सो कुछ भी जानकारी। तो तुम्हारा नाम कैसे वहाँ? सर नाम सर जो फ्रेंड सर्कल है सर, तो फ्रेंड सर्कल से सभी सर नाम लिस्ट बना के, तो हो सकता है किसी फ्रेंड ने दिया सर।